तो आप सभी वेट कर रहे थे मेरा कि सर हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर से क्या बात हो गई है, प्लीज बता दीजिए न्यू एजुकेशन ट्रेनिंग स्कीम में। तो जैसा मैंने आपको सुबह और मॉर्निंग में वीडियो बनाया था कि मैं मीट करने जा रहा हूं अपने सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो मेरे नियरेस्ट और डियरेस्ट और सीनियर हैं, उनसे आज मेरी डिस्कशन हुई और काफी लंबी डिस्कशन हुई। एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे मैंने डिस्कशन किया विद रेस्पेक्ट टू द न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम के रेस्पेक्ट में। तो आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी है, बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि आपको इंटरेस्टेड हो कि सर क्या डिस्कशन हुआ है, तो मैंने बहुत बातें करी हैं उसमें। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसको पार्ट में बताऊंगा, अगली वीडियो का भी वेट करना है। लेकिन मैं इसमें 2 चीजें आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत क्रूशियल है। सो ऑल माई CA स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना चैनल को। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज जरूर और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना बेल आइकन। और नीचे एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का हमने न्यू फेसबुक पेज बनाया हुआ, प्लीज वहां पे जाकर के इसको फॉलो करिए पेज। आप सभी के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अपडेट्स मैं वहां पे देता रहूंगा। सो ऑल माई CA स्टूडेंट्स, एक्चुअली हुआ क्या है कि जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर है हमारे, उन्होंने एक डिस्कशन हमारे साथ ये हुआ कि उन्होंने ये बोला है कि जो अभी न्यू एजुकेशन ट्रेनिंग स्कीम आ रहा है, पहली बात तो उन्होंने बोली है न्यू एजुकेशन ट्रेनिंग स्कीम जो आ रहा है वो बहुत ही जल्दी आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो CA फाउंडेशन स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत जल्दी आने वाला है। यानी कि आप ये मान के चलना, अभी जैसा डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं आप सभी से, CA फाउंडेशन वालों का तो मई 23 के अंदर ही ICAI अप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये अभी इंफॉर्मेशन है कि CA फाउंडेशन वाले तो मई 2023 में ही अपने पास अपने एग्जाम में देंगे न्यू एजुकेशन के हिसाब से। और दूसरी बात, जो इंटरमीडिएट और CA फाइनल स्टूडेंट है, जो इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट है, बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो इंटरमीडिएट और CA फाइनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नवंबर 23 से आपका न्यू स्कीम्स अप्लाई कर दिया जाएगा। अभी जैसा डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पे बता रहा हूं, कंक्लूड मत करना इसमें, हो सकता है कि जल्दी हो जाए मई 23 में ही सब कुछ हो जाए, लेकिन जैसा डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं। तो नवंबर 23 में इंटरमीडिएट एंड फाइनल वाले अपने न्यू स्कीम के हिसाब से एग्जाम देंगे और फाउंडेशन वालों को मई 23 में अप्लाई करवा दिया जाएगा। अब क्योंकि ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि आपको ये पता है नवंबर के एग्जाम्स जैसे ही हो जाएंगे, नवंबर के एग्जाम्स के बाद आपको पता है मई 23 में हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा। तो उनका कहना है कि अभी स्टडी मटीरियल जो है वो पूरी तरह से ड्राफ्ट नहीं हो पाए हैं इंटरमीडिएट और फाइनल वालों के, तो इसका मतलब है वो टाइम थोड़ा सा टेकिंग प्रोसेस है, उस टाइम टेकिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए ICAI उनको नवंबर 23 में क्या करेगा, ऑफर करेगा। और एक और बात बता दूं, जो दूसरी बात मैंने आपको डिस्कशन करनी है, डिस्कशन तो बहुत हुआ है लेकिन एट द सेम टाइम आपको नवंबर 23 के हिसाब से जो मैंने आपको डिस्कशन किया है इसको मैं पार्ट में डिस्कशन करूंगा। अभी बहुत सारी बातें हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखो ताकि अपने बेल आइकन को प्रेस करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इमीडिएट बेसिस पे, मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। बात यह भी हुई है कि ICAI आपको कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन दे सकता है। अब मतलब स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि सर हम अगर हमने अपने ओल्ड सिलेबस के हिसाब से अपना ओल्ड स्कीम में एग्जिस्टिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हमें एग्जाम तो उसी के स्कीम के हिसाब से देने पड़ेंगे। लेकिन क्या ICAI अगर हम नए स्कीम में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या ICAI हमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन देगा? तो उन्होंने बोला है यस, ICAI आपको कन्वर्ट करने का ऑप्शन देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ICAI कभी आप सोचते हो कि हमें न्यू स्कीम में नहीं, अगर हम जाना चाहते हैं तो हम नहीं जा पाएंगे, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उन्होंने कन्वर्ट करने का ऑप्शंस भी यहाँ पे ICAI ने रखा हुआ है। तो ये 2 बात मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ट्रेनिंग वर्कशॉप का फेसबुक न्यू पेज है, वहां पे जाकर के इसको फॉलो करें। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो अभी आने वाली और भी सारी डिस्कशंस हुई हैं बहुत सारी, फाउंडेशन वालों का, इंटरमीडिएट का, फाइनल वालों का कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, एग्जाम पेपर कैसे आएंगे, किस तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा, क्या हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या चीज नहीं मिलेगी, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को आप वेट करिएगा, वेट एंड वॉच फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो पसंद है तो प्लीज जरूर लाइक कर देना और एट द सेम टाइम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन रखो नवंबर के एग्जाम्स के लिए। अपने पास वेट नहीं करना है, आपको क्रैक करना है। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू एंड होपिंग सो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, यू विल सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर्स। आपके पेरेंट्स की आपके साथ ब्लेसिंग है, एब्सोल्युटली यू विल सक्सीड, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट। So thanks a lot again and wait and watch my next video for the updates.